नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पाठ एक चिड़िया और चुरुंगुन कविता का भाग दो पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने माँ बेटे का यानी एक माँ और उसके बच्चे का वात्सल्य पढ़ा था कि बच्चा उड़ना सीख जाता है, सीखता है और बार बार अपनी माता से पूछता है, क्या माँ मुझे उड़ना आ गया। पर लेकिन एक माँ का जो प्यार है वह उसे हर बार यही कहता है कि नहीं बेटा, यह तुम्हारा भ्रम है, अभी तुम बहुत छोटे हो। अब हम भाग दो ये पढ़ेंगे कि वो आगे कैसे बढ़ता है। कच्चे पक्के फल पहचाने। अब देखो, पहले तो उसने पेड़ की फुंगी तक पहुंचना सीखा, जड़ों को पहचाना, पेड़ों पर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना सीखा। लेकिन अब उसे यह पता चल गया कि कौन सा फल पक्का है और कौन सा कच्चा। वह खाकर यह पहचानने लगा कि यह कच्चा है और यह पक्का है। खाए और गिराए काट, यानी कच्चे को काट काट के फेंक देता है और पकों को कुछ खा लेता है। खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। बाट मतलब इंतज़ार, बाट मतलब इंतज़ार करना, यानी जो उसके जैसे साथी हैं जो उड़कर खुले आसमान में उड़ते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बैठकर फलों का स्वाद लेते हैं, अब वो सब उसका इंतज़ार करने लगे थे। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तो भरमाया। फिर वे अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ क्या मुझे उड़ना आ गया। यह सब जानने के बाद भी उसकी माता उसे यह कहती है कि नहीं बेटा, अभी यह तेरा भ्रम है, अभी तू छोटा है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अपनी माँ के लिए छोटे ही रहते हैं, वो चाहे कितने बड़े हो जाएं, वो फिर भी अपनी माँ के लिए एक छोटे बच्चे ही रहेंगे। उसे फिर भी अंत यह डर लगा रहेगा कि अभी उसे उड़ना नहीं आया। उस तरु से इस तरु पर आता, यानी तरु मतलब क्या होता है बच्चों, पेड़। तरु का मतलब क्या होता है, पेड़। एक तरु से यानी दूसरी तरु से दूसरी तरु पर यानी पेड़ पर आता, जाता हूँ धरती की ओर, यानी पेड़ से उतरकर धरती पर भी बैठ जाता हूँ। दाना कहीं कोई पड़ा हो चुन लाता हूँ ठोक ठठोर, यानी मैं क्या करता हूँ, अपने जो दाने होते हैं ढूंढ ढूंढ कर धरती से पेड़ों पर जहाँ भी मुझे कुछ भी मिलते हैं मैं उन्हें अपनी चोंच में चुन लेता हूँ। यानी अब वो इतना बड़ा हो गया है कि वो दाने भी चुगने लगा है, यानी वह दाने ढूंढने लगा है, ढूंढ कर अपना पेट भरने लग चुका है, वह इतना बड़ा हो गया है। फिर भी उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा अभी तेरा भ्रम है, अभी तुझे उड़ना नहीं आया। और वह फिर भी अपनी माँ से पूछता है, क्या माँ मुझको उड़ना आ गया। जैसे हम छोटे बच्चे को देखते हैं, जब छोटा बच्चा चलना सीखता है वो गुड़लिया चलने लग जाता है, वो अपने कदमों पे चलने भी लग जाता है, फिर भी माँ को डर लगता है कहीं वो गिर ना जाए। वह फिर भी उसका ध्यान रखती है और उसे समझाती है कि बेटा ध्यान रखो, फिर भी उसे उसी तरह से प्रेम पूर्वक अपनी गोदी में उठा लेती है। उसी प्रकार चुरुंगुन जो है चिड़िया का बच्चा अपनी माँ से बार बार पूछता है कि माँ क्या मुझे उड़ना आ गया, लेकिन फिर भी उसकी माँ उसे कहती है, नहीं बेटा यह तेरा एक भ्रम है। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार। मैं नीले अज्ञात, अज्ञात गगन मतलब बहुत बड़ा, जिसका ज्ञान ना होना, अज्ञात जिसका पता ही नहीं कहाँ तक कितना खुला आसमान है वो,
कि इतना नहीं, आसमान का अज्ञात होता है ना, क्योंकि आसमान के बारे में किसी को नहीं पता कि इसका छोर कहाँ है, कि आसमान कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है, अज्ञात है वो, सब अज्ञात है आसमान के लिए। लेकिन वो लगातार उस आसमान की पुकार सुनता रहता है, क्योंकि पक्षी का काम क्या है बच्चों, खुले आसमान में उड़ना। वह दूर तक अपनी उड़ान भरते हैं और अंत में अब कहाँ आ जाते हैं, अपने घोंसले में आकर बैठ जाते हैं। पूरा दिन वो आसमान में घूमेंगे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर खुले आसमान की सैर लगाएंगे, लेकिन रात को अपने घर आ जाते हैं, है ना। अब वो कहता है चिरुंगन कि मुझे यह अज्ञात गगन जो है, मैं उसकी लगातार पुकार सुनता हूँ। कोई अंदर से कहता है उड़ जा, उड़ता जा पर मार, यानी जहाँ तक तेरे पर चलते हैं, पर मार मार के तो खुले आसमान में दूर तक उड़। मतलब अब वो कह रहा है कि अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ माँ कि मुझे आसमान बुला रहा है, मैं भी अपने पंखों को खोलकर स्वतंत्र उड़ान भरना चाहता हूँ। यानी आसमान मुझे बुला रहा है कि तू अपने पंख खोल और जहाँ तक उड़ सकता है उड़। माँ क्या मुझको उड़ना आया। अब कहते हैं माँ, फिर भी अपनी माँ से पूछता है कि माँ क्या मुझे उड़ना आ गया। आज सफल है तेरे देने, आज सफल है तेरी काया। यानी अब उसकी माँ कहती है हाँ बेटा जा, अब तेरे पंख इतने बड़े हो गए हैं कि तू खुले आसमान में उड़, और तेरी काया यानी जो तेरा शरीर है वो एक बड़ा हो गया, तू बड़ा हो चुका है अब, जब जिस और जा तू पूरे खुले आसमान में उड़, अपनी ज़िंदगी को जी ले। देखो बच्चों, अब जब तक माँ को यकीन नहीं हुआ था कि मेरा बच्चा उड़ सकता है, मेरा बच्चा खुले आसमान में अब पंख फैलाकर दूर तक की ऊंची उड़ान उड़ सकता है, तब तक माँ उसे कहती रहती कि बेटा ये तेरा भ्रम है। अंत में जब उसकी माँ ने देखा कि उसकी आँखों में उड़ने का सपना है, उसके पंख फड़फड़ाने लगे हैं, खुले आसमान में बिना किसी दबाव के उड़ना चाहते हैं, तब उसकी माँ ने कहा जा बेटा जा, तेरी उड़ान का समय आ गया है, अब तू बड़ा हो गया है। ऐसे बच्चों हमारी माँ भी क्या कहती हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारी माँ क्या कहती है,